छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर चाकूबाजी की घटना हुई थी, इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराधियों में या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में डर और भय पूरी तरह समाप्त हो गया है। जयस्तंभ चौक पर मर्डर होता है, नांदगांव में अपहरण होता है। अब अपहरण वो लेकर गए हैं नागपुर की तरफ और पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है, बिलासपुर और उड़ीसा की तरफ जाने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी जो सूत्र और बाकी उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह फेल होती जा रही है और छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे अपराधगढ़ बनता जा रहा है। चाकूबाजी की घटना पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कठोर कदम उठा रही है, वहीं कानून को हाथ में लेकर चलने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। निश्चित रूप से ये घटनाएं इनकी निंदा की जानी चाहिए और रायपुर शहर में जयस्तंभ चौक के पास ये घटना घटित हो गया, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का कारण है। सरकार के स्तर पे, पुलिस विभाग के स्तर पे, गृह मंत्रालय के स्तर पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे अपराधियों तक निश्चित रूप से पुलिस पहुंचेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है उसे देखकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होना आम बात है और अब भाजपा भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। TCP 24 न्यूज के लिए रोहित बर्मन की रिपोर्ट।